गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात करेंगे आपके एंटो के जो फील्ड क्रॉप या स्टोरेज के जो पेस्ट लगते हैं उनमें। तो हमने पॉलीफेगस पढ़ लिए थे, उसके बाद राइस क्रॉप के पेस्ट पढ़ लिए थे, है ना। तो इसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं पेस्ट। तो स्टार्ट करेंगे आज के जो हमारे पेस्ट है वो है राइस जो है आपका ग्राम जो क्रॉप है, चने की जो फसल है उसके पेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में चने की फसल के सिर्फ दो पेस्ट है और दोनों ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, ओलिगोफेगस कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई थी पहले, मोनोफेगस, ओलिगोफेगस और पॉलीफेगस, ठीक है। ओलिगोफेगस कौन से होते हैं, जो सिंगल क्रॉप में नहीं होते और पॉलीफेगस में नहीं होते, लेकिन क्या है, बहुत सी क्रॉप जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो पेस्ट जो मैं आपको करवाऊंगा, ये दोनों पेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चने की फसल के तो मेजर पेस्ट है ही, प्लस ये दूसरी भी क्रॉप्स के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्रॉप के अंदर, तो ये आपके जो है उस क्रॉप से रिलेटेड जो पेस्ट है उसके अंदर भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट जो है ये है ग्राम कैटरपिलर, ठीक है। ग्राम कैटरपिलर इसको हिंदी में बोलते हैं चने की सुंडी, ठीक है, चने की सुंडी। अब होता क्या है, सबने देखा होगा ग्रीन कलर की जो एक कैटरपिलर लगी रहती है चने की क्रॉप में, अगर आप कभी गए हो तो, है ना, जो फ्रूट जिस टाइम बनते हैं उस टाइम ये आसानी से दिख जाती है। फिर भी मैं आपको चलिए आगे बताऊँगा इसके बारे में डिटेल में, आपको डायग्राम भी दिखाऊँगा इसका। तो सबसे पहले तो कि इसका साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब इसके बाद इसकी फैमिली है नॉक्टुइडी, ठीक है, और ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के पेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के पेस्ट आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि क्या होगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा इसके, लाइफ में क्या होगी, चार स्टेज होगी, और नुकसान कौन सी स्टेज पहुंचाएगी, जो कैटरपिलर जो स्टेज होती है वो नुकसान पहुंचाएगी, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ एक चीज़ आई है मैं आपको बता दूं, जो दिख रहा होगा आपको नॉक्टुइडी, यहाँ जो लिखा हुआ है नॉक्टुइडी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना कोई भी ऑर्डर, सॉरी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की होगी ये तो फैमिली, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की नॉक्टुइडी जो भी फैमिली है इसके अंदर जितने भी पेस्ट आएंगे वो सब क्या होंगी, उनकी जो हैबिट होगी वो क्या होगी, नॉक्टर्नल हैबिट होगी। अब यहाँ नॉक्टर्नल से मतलब क्या है पता होगा सबको, रात्रिचर, क्या है, रात्रिचर, यानी जो रात के समय डैमेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल, ठीक है। तो नॉक्टुइडी फैमिली जो है वो इसके आधार पर ही नाम रखा गया है ना, इनकी, इनका क्या होता है नेचर ऑफ डैमेज क्या होता है, ये रात के समय अटैक करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसके बाद बात करेंगे ऑर्डर की लेपिडोप्टेरा, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर है होस्ट प्लांट, ठीक है, होस्ट प्लांट। तो होस्ट प्लांट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि ये ग्राम के अंदर तो है ही, ठीक है, ग्राम का पेस्ट तो है ही है। इसके अलावा जो मेजर पेस्ट है ये कौन सी क्रॉप का है, कॉटन का, ठीक है, कॉटन का और टोमेटो का, टोमेटो का। इनमें अब इसका क्या है, नाम जो है वो इन क्रॉप के आधार पे इसको चेंज किया गया है। जैसे कि अगर बात करें, अगर ये पेस्ट कॉटन के अंदर लगता है, ठीक है, अगर ये कॉटन के अंदर लगता है तो वहां इसका नाम क्या होगा, अमेरिकन बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, ठीक है। कॉटन के अंदर ये पेस्ट जो है वो किस नाम से है, अमेरिकन बॉलवर्म। कॉटन में तीन तरह के बॉलवर्म लगते हैं, वो हम जब कॉटन क्रॉप पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यही हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है वो कॉटन के अंदर जो अमेरिकन बॉलवर्म लगता है उसका नाम है, ठीक है। नेचर ऑफ डैमेज भी वही है, सेम सिम्टम है, सब कुछ सेम है, वही लाइफ साइकिल, यही पेस्ट है, कॉटन के अंदर लगता है तो उसको अमेरिकन बॉलवर्म बोल देते हैं। और अगर टोमेटो के अंदर ये लगता है तो इसको क्या नाम बोलते हैं, ये है टोमेटो फ्रूट बोरर के नाम से जाना जाता है इसको, टोमेटो फ्रूट बोरर। तो यहां क्या है, अगर हम अब यहां पे जो पेस्ट पढ़ेंगे इसके बाद क्या है, इसके साथ साथ आपका जो टोमेटो के अंदर ये लगता है फ्रूट बोरर प्लस कॉटन का जो अमेरिकन बॉलवर्म है, ये दोनों पेस्ट क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ध्यान रखना ये सेम ही पेस्ट है, सेम नाम, सेम फैमिली ऑर्डर।
अब नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ डैमेज इसका क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो नेचर ऑफ डैमेज में क्या होगा कि सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी एग लेइंग की, ठीक है। तो एग लेइंग जो इसकी होती है, एग लेइंग जो होती है वो कहाँ होती है, जो लीव्स हो गई है ना, प्लस अदर जो प्लांट पार्ट्स हैं है ना, उन पे भी हो सकती है। और एग लेइंग जो होती है वो क्या है, सिंगली, यानी कि एक एक करके एग्स दिए जाते हैं, 15 से 20 के बीच में एग्स दिए जाते हैं एक फीमेल के द्वारा, ठीक है। तो एक एक करके एग्स दिए जाएंगे लीफ के ऊपर, मोस्टली क्या है लीफ के ऊपर दिए जाते हैं, इसके अलावा क्या है प्लांट के अदर पार्ट्स में या फिर जो रूट वाला जो एरिया होता है आसपास, कई और भी अगर वनस्पति है तो वहाँ भी ये क्या है एग लेइंग करती है। एग लेइंग के बाद, हैचिंग होने के बाद क्या होगा, हैचिंग होने के बाद जो कैटरपिलर निकल के आता है ना, जो कैटरपिलर आएगा, ये कैटरपिलर की ये क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या रहती है, ये हैचिंग होने के बाद एग से बाहर निकलने के बाद जितनी भी लीफ है, मान लो ये क्या है चने का प्लांट है ना, दिखने में तो खजूर जैसा लग रहा है, चने का ही मानना है इसको, ठीक है। चने का जो प्लांट होता है इसके ऊपर ये जो लीफ है ये क्या करेगा, ये कैटरपिलर जो है ये लीफ के ऊपर आएगा, लीफ के ऊपर आने के बाद ये लीफ को फीड करता है, ठीक है। स्टार्टिंग जो स्टेज होती है इसकी, फर्स्ट इंस्टार का जो कैटरपिलर होगा वो क्या करेगा, लीफ को फीड करेगा। उसके बाद सेकेंड इंस्टार का लार्वा है वो क्या करेगा, लीफ को फीड करेगा। फिर धीरे धीरे क्या है, ये स्टार्टिंग में जब तक कि अपने चने के अंदर क्या है फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, ये क्या करते हैं लीफ से क्या है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद जैसे ही चने के अंदर फ्रूटिंग का टाइम आता है ना, फ्रूटिंग का जो टाइम आएगा उस समय क्या है, ये फ्रूट के अंदर, अब मान लो ये क्या है फ्रूट है, ठीक है, ये क्या है जो फली बनती है चने की, तो ये वो है। तो इसके अंदर इसका डैमेज कैसे होगा, ये जो कैटरपिलर जो है, मान लीजिए ये कैटरपिलर है, इसके बाद क्या करेगा, ये जो फ्रूट है फ्रूट बनने के बाद इसके पास आएगा, इसके पास आने के बाद क्या है, यहाँ एक धीरे धीरे इसको काटता हुआ क्या है एक होल बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है छेद बनाएगा और इस छेद के थ्रू क्या है इसके अंदर इंटर हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना फ्रूट, इस फ्रूट के अंदर इंटर हो जाएगा। इंटर होने के बाद यह क्या करता है कि इसके अंदर जो मान लो ये फ्रूट जो बना हुआ है ना, फ्रूट जो बना हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा इस फ्रूट को खाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये जो कैटरपिलर है, ये मान लो इसके अंदर फ्रूट बना हुआ है, तो ये यहाँ से इंटर होगा, इंटर होने के बाद ये क्या है यहाँ पे इसने छेद किया, छेद करने के बाद इंटर होगा, इंटर होने के बाद ये क्या करेगा, मान लो ये यहाँ अब यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ से क्या है इसको ये खाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फीड करना स्टार्ट करेगा। फिर धीरे धीरे क्या है इसको फीड करता करता क्या है ये जो है सीड आपका हाफ रह जाता है, ठीक है, हाफ सीड रह जाएगा, हाफ सीड रह जाएगा। तो इस ऐसे ही क्या है धीरे धीरे इसको फीड करता रहेगा। और इसकी जो नेचर ऑफ डैमेज है, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये ही जो है ग्राम कैटरपिलर है, तो इसकी खास बात क्या होगी कि इसका हाफ पोर्शन, ये जो बॉडी दिख रही है ना आपको, इसका हाफ पोर्शन क्या है, ये जो फली बनी हुई है ना, ये जो पॉड है ग्राम की, इससे बाहर की साइड रहेगा और हाफ पोर्शन जो है वो इसके अंदर रहेगा। यानी कि जब ये फीड करती है तब आपको इसका मुंह तो क्या है, जो इसका फेस है वो माउथ पार्ट जो इसके है वो आपको इस फली के अंदर दिखेंगे और बाकी जो हाफ पोर्शन है बॉडी का वो बाहर की ओर निकला रहता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है इसको खाते रहते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो जिन पर ये क्या अटैक करते हैं ये क्या है बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, पहले येलोइश कलर के हो जाते हैं और इनमें दाना भी नहीं बनता है या फिर क्या है हाफ मैच्योर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या, इससे लगभग 30-50% तक लॉस देखा गया है इसके द्वारा फील्ड के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लॉस स्टार्ट की। तो
क्या है, चने की क्रॉप क्या है, एक रबी सीजन की क्रॉप है, तो रबी सीजन की क्रॉप है तो इसका डैमेज क्या है, नवंबर मंथ से स्टार्ट होता है और लगभग मार्च मंथ तक इसका डैमेज होता रहता है, ठीक है, काफ़ी हद तक डैमेज होता है। और ये ग्राम की जो क्रॉप है इसका तो मेजर पेस्ट माना गया है, इसीलिए क्या है इसको ग्राम कैटरपिलर नाम दिया गया है, जबकि ये लगती तो कॉटन के अंदर भी है और टोमेटो के अंदर भी है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज का, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का मैंने आपको बता दिया कि इसके लाइफ साइकिल में क्या होगी, चार स्टेज होगी और ये क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसके अंदर, ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा और लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होती है। अब देखिए जो ध्यान देने वाली चीज़ इसके बाद आती है एग्स की, एक एक चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको कौन कौन सी स्टेज होती है। तो फर्स्ट बात करेंगे एग की, एग का मैंने आपको बता दिया क्या है, राउंड शेप में हो गए एग्स, क्या है, राउंड शेप में होंगे, प्लस क्या है, लीफ के ऊपर अलग, जो भी फ्रूट के ऊपर या फिर बाद में जब फ्रूट डेवलप होगा तो फ्रूट के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर या फिर अदर प्लांट पार्ट से जहाँ भी वहाँ सब जगह क्या है ये एगलिंग करते हैं, और एगलिंग जो है वो एक एक करके एग्स दिए जाते हैं और एक जो फीमेल है उसके द्वारा 15 से 20 25 एग दिए जाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, सॉरी पूरे उसका जो लाइफ पीरियड होता है उसके अंदर, और लगभग क्या है 500 से 1000 एग्स तक दिए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया एग की। अब बात करेंगे कैटरपिलर की, ठीक है, यानी कि जो लार्वल स्टेज होती है, तो सबसे पहले तो ये जब स्टार्टिंग जो स्टेज होती है तुरंत हैचिंग होने के बाद इसका कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर की होती है, नहीं लाइट नहीं होता, कलर इसका डार्क ही होता है, स्टार्टिंग में क्या होगा ग्रीन कलर होगा, ठीक है, साइज जो होगा वो क्या होगा 2 to 2.5 mm तक इसका साइज होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर मोल्टिंग होगी, नेचर का डैमेज का मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है, सबसे पहले तो ये लीव्स को खाएंगे, फिर जैसे ही फ्रूट का डेवलप हो जाता है मेंट, उसके बाद क्या है फ्रूट का डेवलपमेंट होने के बाद फ्रूट को खाना स्टार्ट कर देते हैं। चार मोल्टिंग होती है इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर, है ना, मोल्टिंग होगी जैसे जैसे क्या है इसके साइज में ग्रोथ होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी और साइज इसका हो जाएगा 35 mm तक हो जाता है लास्ट में, ठीक है। अब फिर क्या है पूरी ग्रो होने के बाद, यानी कि जो फोर्थ स्टार का फोर्थ मोल्टिंग होने के बाद जो कैटरपिलर निकल के आती है उसमें क्या होगा कि उसकी जो अपर सरफेस जो है ना, अपर सरफेस तो आपको दिखेगी ग्रीन कलर की, ठीक है, और लोअर सरफेस जो होती है, लोअर सरफेस जो होती है वो होती है वाइट कलर की, ठीक है, अपर क्या है ग्रीन कलर की दिखाई देगी, लोअर सरफेस वाइट कलर की दिखाई देती है, और इसके अलावा क्या है इसकी बॉडी में जो एक तो डोर्सल, तीन साइड होती है बॉडी की, आपको मैंने बताया होगा शायद पिछली क्लास में भी, बॉडी में क्या है मान लो ये इंसेक्ट है कोई भी, है ना, तो इसकी क्या है बॉडी जो है उसमें तीन साइड होती है, ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं डोर्सल साइड, नीचे वाली जो होती है, एक मिनट इसको मैं हॉरिजेंटल बना देता हूँ समझने में इजी होगा आपको, ठीक है, अगर बात करें साइड की तो ये जो ऊपर वाली जो साइड होती है इसको क्या बोलते हैं डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है, और साइड वाली जो होती है यानी कि एक तो ये वाली साइड होगी, इसके अलावा इसके जस्ट दूसरी तरफ भी, ठीक है, ये तो अपर साइड होगी, ये लोअर साइड होगी, ये जो साइड वाली दोनों होती है ना इनको क्या बोलते हैं लेटरल, क्या बोलेंगे लेटरल, तो ये हो गया लेटरल साइड। तो इसका बताने का पर्पस क्या है कि इसकी फुल ग्रोथ हो जाती है जब उसके बाद क्या है एक तो डोर्सल साइड पे और दो लेटरल साइड पे दोनों तरफ क्या है आपको येलो कलर के क्या है धारियाँ दिखाई देती है, एक एक धारी, एक धारी ऊपर की तरफ होती है, एक 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 क्या है दोनों साइड जो लेटरल साइड होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद फिर है प्यूपा, ठीक है, आप बात करेंगे प्यूपा स्टेज की, तो प्यूपा के अंदर क्या है कि प्यूपा बनता कहाँ है, सबसे पहले तो
तो जैसे ही ये फुली ग्रोथ जो आपका कैटरपिलर है ये क्या करेगा, जब इसको प्यूपा में चेंज होना होता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले प्लांट जो है प्लांट पार्ट से नीचे सोइल के ऊपर आएगा और सोइल के ऊपर आने के बाद मृदा में कुछ गहराई तक लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक की गहराई में क्या है ये सोइल के अंदर चला जाता है, ठीक है, सोइल के अंदर चला जाता है और वहीं पे क्या है प्यूपा में कन्वर्ट होता है, अपने जो बॉडी है उसके आसपास थोड़ी सी मिट्टी जमा करके एक कोकून बनाता है और कोकून बना के उसके अंदर जो है प्यूपा में बदल जाता है और फिर उसी से क्या है एडल्ट बाहर निकलता है। उसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का दिखाई देता है ये जो प्यूपा है, ठीक है। साइज होता है इसका 16 mm के आसपास। अब इसकी प्यूपा की खास बात क्या है, प्यूपा आपको देखने में क्या है इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि एक साइड जो इसकी होती है पीछे वाली जो साइड है ये आपको एक्यूट थोड़ी सी क्या है नुकीली दिखाई देगी, ठीक है, एक्यूट या फिर बात करें तो नुकीली दिखाई देती है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद बात करेंगे एडल्ट की, ठीक है, तो एडल्ट जो होता है इसका जो बाहर निकल के आता है ये जो प्यूपा है इससे निकल के आएगा उस एडल्ट का कलर क्या होगा, लाइट ब्राउन, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का होगा और 20 to 25 mm तक क्या है उसका साइज होता है और जो विंग का जो फैलाव होता है पंखों का फैलाव होता है वो 35 mm के आसपास होता है, ठीक है, ये हो गया इसका एडल्ट। अब इसके एडल्ट की और बता देता हूँ आपको एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसका एडल्ट जो है एडल्ट में क्या है कि जो विंग्स हैं है ना, विंग्स तो हो गए, अब बात करेंगे माउथ पार्ट की, तो इसमें माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं, साइफनिंग, वैसे जितने भी बटरफ्लाई और मॉथ्स जो होते हैं उनके अंदर क्या है साइफनिंग टाइप के मुखांग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करेंगे इसकी जो एंटीना जो होती है, अब यहाँ इसमें खास बात इसलिए है एंटीना इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर चेंज क्या होता है कि मेल जो होता है उसके अंदर अलग एंटीना होती है और फीमेल जो होती है उसके अंदर अलग एंटीना होती है। तो बात करेंगे सबसे पहले मेल, तो इसकी जो मेल होता है उसके अंदर कौन सी किस प्रकार की एंटीना होती है, तो उसके अंदर होती है बाईपेक्टिनेट टाइप की एंटीना होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विकंगाकार, ठीक है, द्विकंगाकार। और जो फीमेल जो होती है, फीमेल जो होती है उसके अंदर जो फिलीफॉर्म एंटीना है हिंदी में इसको बोलते हैं धागाकार, फिलीफॉर्म या धागाकार जो एंटीना होती है वो किस में होती है, फीमेल के अंदर, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए इसके बाद ये हो गया एडल्ट। अब ये डायग्राम जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है इसका, ये इसका लार्वा है या कैटरपिलर जो स्टेज है वो ये वाली है, ठीक है, दिख रहा है ये क्या है चने की जो फ्रूट होता है या फिर फली जिसको बोलते हैं वो है, यहाँ देख रहे हो आप यहाँ पे क्या है होल दिख रहा है सबको, तो ये क्या है इसी के द्वारा बनाया गया है और इसी के थ्रू क्या है ये अंदर इंटर होती है, इंटर होने के बाद जो सीड होता है उसको खाती रहती है और इस कंडीशन में जब ये फ्रूट को क्या है खा रही होती है उस समय क्या होगा इसकी हाफ बॉडी पोर्शन जो है वो इसके अंदर रहेगा और हाफ जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी इसका कैटरपिलर और ये इसका क्या है एडल्ट होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, तो मैंने आपको बता दिया पहले क्या 4 स्टेज होती है, कौन सी स्टेज जो है कितने कितने टाइम की होती है बात कर लेते हैं। तो लाइफ साइकिल में फर्स्ट जो है यानी एग जो स्टेज है ये कितने दिन की होती है, 3 से 7 दिन की, यानी कि एग से 3 से 7 दिन बाद क्या है लार्वा बनेगा, लार्वा या फिर कैटरपिलर, ठीक है, लार्वा या कैटरपिलर 3 से 7 दिन बाद, और उससे फिर 20 से 25 दिन बाद क्या है प्यूपा बनता है, प्यूपा कहाँ बनेगा सोइल के अंदर, और वहाँ से सोइल से क्या है 10 से 24 दिन बाद में क्या है एडल्ट निकल के बाहर आता है जो कि 2 से 4 दिन यानी कि रिप्रोडक्शन के 2 से 4 दिन बाद क्या है एग लेइंग स्टार्ट करता है, ठीक है। टोटल जो लाइफ साइकिल होता है इसका 35 to 70 days का होता है और एक साल के अंदर इसकी 8 generations पाई जाती है, ठीक है। 8 generations ऐसे कि आप देखोगे कि चने की जो क्रॉप है ना उसको सोइंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है उस पूरे टाइम में क्या है लगभग इसका अटैक होता रहता है। अब यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो लार्वा या कैटरपिलर जो स्टेज होती है ना ये क्या है ये रहती है जो डोरमेंसी के अंदर, है ना, डोरमेंसी के अंदर इसकी यही स्टेज रहती है
प्लस यहाँ एक और टर्म मैं आपको बताऊंगा, कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म, अब ये कैनिबलिज्म क्या होता है, शायद सुना होगा आपने बहुत से, क्या है ये जो मुर्गियों में भी होता है कैनिबलिज्म। तो कैनिबलिज्म होता क्या है कि इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा की जो लार्वल स्टेज होती है, वो क्या करती है कि ये जो लार्वल स्टेज होती है ना, ये क्या करेगी, अपने से छोटे है ना साइज में, क्या है अपने से जो भी छोटे लार्वा होते हैं ना, इनको ये क्या है फीड करती रहती है। यानी कि बड़ा जो कैटरपिलर है, लेट स्टेज का, लेट इंस्टार का जो भी कैटरपिलर है, वो इससे पहले वाले इंस्टार की सेम अपने ही स्पीसीज के क्या है दूसरे इंडिविजुअल्स को खाने लगता है, ठीक है, उसको फीड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए आगे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा लेट सोइंग। अब इस लेट सोइंग का एक साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। नॉर्मली बहुत सी क्रॉप जो है उनके अंदर हम चेंज करते हैं सोइंग टाइम, ताकि क्या है उस पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ लेट सोइंग, जनरली अर्ली सोइंग करते हैं जैसे मैंने आपको सोरगम के अंदर बताया था, लेकिन यहाँ लेट सोइंग का एक साइंटिफिक रीज़न है, वो ये कि चने की अगर बात करें, जो चने की क्रॉप होती है, इसके अंदर मेजर पेस्ट तो ये हो गया, ठीक है, आपका ग्राम कैटरपिलर क्या हो गया, मेजर पेस्ट। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक डिजीज़ होता है, जो ग्राम क्रॉप जो होती है, इसका एक डिजीज़ बहुत बहुत ज़्यादा लॉस जो होता है इसके द्वारा, वो कौन सा है, विल्ट डिजीज़। ग्राम के अंदर विल्ट डिजीज़ जो होती है, उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और ये दोनों आपस में क्या है, कोरिलेट है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम नॉर्मली क्या होती है, जितनी भी दलहनी क्रॉप जो होगी उनके अंदर क्या है, जो डेप्थ रखी जाती है सीड की, जो गहराई रखी जाती है, वो क्या रखी जाती है, 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास, 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास गहराई रखी जाती है। लेकिन इस कंडीशन में चने की अगर बात करें, तो इसमें क्या होगा, अगर आप अर्ली सोइंग करोगे, ठीक है, अर्ली सोइंग करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा कैसे होता है कि क्या है, खरीफ रीजन होता है, खरीफ के जस्ट बाद जब रबी सीजन आ रहा होता है, उस समय क्या है, एक बार टेम्परेचर जो होता है वो राइज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इसके अंदर विल्ट डिजीज के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप अर्ली सोइंग करोगे तो उसके अंदर विल्ट डिजीज आएगा ही आएगा, ठीक है। अब विल्ट से भी बचना है, अगर लेट सोइंग करोगे, ये तो हो गया अर्ली सोइंग का, अगर लेट सोइंग करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ग्राम कैटरपिलर इसका डैमेज हो जाएगा। यानी कि अर्ली सोइंग से तो विल्ट लगेगा, और अगर लेट सोइंग करोगे तो क्या होगा, ग्राम कैटरपिलर का डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसकी लेट सोइंग की जाती है, ठीक है, प्लस क्या है, जो इसकी गहराई जो है, गहराई जो है उसको ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। गहराई इसकी रखी जाती है 8 सेंटीमीटर के आसपास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये स्पेशल है, इसकी गहराई ज़्यादा रखते हैं 8 सेंटीमीटर के आसपास, ताकि विल्ट भी ना हो और क्या है, कैटरपिलर का अटैक भी ना हो, ठीक है। अब फिर है डीप प्लोइंग। अब इसकी डीप, ग्रीष्म काल में क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसकी जो प्यूपल स्टेज जो होती है, प्यूपा जो अवस्था होती है, वो क्या होती है, सोइल के अंदर बनती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी प्लांट डेब्रीज है ना, जो भी स्टबल्स प्लांट के अंदर, वो क्रॉप के अंदर रहेंगे, वहाँ इसकी जो है एगलिंग भी होती है, प्लस में क्या है, लार्वा भी रहते हैं, प्लस जो सोइल के अंदर एडल्ट, सॉरी प्यूपा स्टेज तो रहती है। तो इससे क्या होगा, डीप प्लोइंग जो करेंगे, इससे वो ऊपर आ जाएंगे सोइल के और एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डीप प्लोइंग का, ठीक है। अब बाद में बात है लाइट ट्रैप की। तो इसके जो फर्स्ट, तो आपको बता दूं, एक तो मैंने आपको बताया नॉक्टुइडी। जनरली लेप्टोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट है, सब अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ, ठीक है। पर बात करें स्पेशल जो नॉक्टुइडी फैमिली होती है, नॉक्टुइडी फैमिली जो होती है, उसके सारे पेस्ट क्या है, अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइट ट्रैप यूज़ करते हैं इनके लिए। फिर रेजिस्टेंट वेराइटी, कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है इसके लिए, जो ग्राम कैटरपिलर है इससे बचने के लिए, ICCV8, ICCV10 और धुलिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेराइटीज़ है जिनको यूज़ किया जाता है एज ए रेजिस्टेंट वेराइटी, ठीक है। फिर बात करेंगे डस्ट की। तो खड़ी फसल के अंदर जहां आपको डैमेज दिखे इसका, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इनमें से किसी एक जो है डस्ट का हम क्या बुरकाव करते हैं फील्ड के अंदर। जैसे मेलाथियन 5% डस्ट होगी, या कार्बेरिल 10%, या
फेनिट्रोथियोन 5% डस्ट जो है इनकी 25 किलोग्राम और इसकी 20 किलोग्राम जो मात्रा है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है, बुरकाव किया जाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे स्प्रे की, वो तो थी डस्ट, ठीक है। अब स्प्रे की बात करेंगे तो इनमें से किसी भी एक केमिकल को 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके उसका जो है क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, इंडोक्साकार 14.5 SC, एसीफेट, ठीक है, डेल्टा मेथ्रीन हो गया और स्पाइनोसेड हो गया। इनमें से किसी भी एक केमिकल की ये जो आपको क्वांटिटी बताई गई है 500 ml, 2 किलोग्राम, 400 ml या 150 ml, तो इनकी क्या है, किसी भी एक केमिकल को मिक्स करके 250 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जो आपको क्वांटिटी बताई गई है उसको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इसी की क्या करते हैं, एक डोज जो है वो रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर NSK 5% सॉल्यूशन जो है नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम का घोल जो होता है उसका स्प्रे किया जाता है। फिर NPV यूज़ करते हैं 0.1%, ठीक है, 0.1% NPV यूज़ करते हैं, कितना, 500 LE। अब यहाँ LE क्या चीज़ है, ठीक है, SC आपको पता चल गया क्या होता है, सोल्यूबल कंसनट्रेशन हो गया, ठीक है, SP सोल्यूबल जो है पाउडर हो गया, है ना, इमल्सिफाइड कंसनट्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करें LE, तो LE क्या है, LE की फुल फॉर्म होती है लार्वल इक्विवेलेंट। अब लार्वल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, NPV जो वायरस होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस बोलते हैं इसको, तो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस जो वायरस होता है इससे क्या है, NPV क्या है, तैयार किया जाता है। वायरस है तो वायरस के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि उसके लिए किसी न किसी लिविंग बॉडी की आवश्यकता होती है, वायरस बिना लिविंग बॉडी के सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायरस है इसको इंजेक्ट कराते हैं, ये जो हेलिकोवर्पा है ना आपका पेस्ट जो है ना, इसके अंदर इंजेक्ट कराते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको क्या है, फील्ड से कलेक्ट करके करते हैं, इसका जो लार्वा जो होता है सेकेंड या फोर्थ इंस्टार का जो लार्वा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको 2 दिन तक भूखा रखते हैं। भूखा रखने के बाद उसको क्या करते हैं, ग्राम की पत्तियां लेंगे कुछ और उसको इस घोल में, ठीक है, इस घोल के अंदर डिप करके वो पत्तियां जो होती है वो इसको खाने के लिए रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, वायरस का इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर अपनी ग्रो करता रहता है। फिर क्या होता है, उस वायरस के प्रभाव से ये जो है ये मर जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो मरे हुए जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है, इनको क्या करते हैं, मैश करते हैं, इनको क्रश करके क्या है, इनका घोल बनाया जाता है, क्योंकि वो वायरस जो होता है उनकी इनकी बॉडी में रहता है तो उसको घोल बनाया जाता है। तो ये LE का मतलब क्या है, लार्वल इक्विवेलेंट, और एक जो लार्वल इक्विवेलेंट बनता है 1 LE बनता है, ये किससे बनता है, 3 जो होता है ना, 3 फुली ग्रोन जो कैटरपिलर होते हैं उससे बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ 500 LE का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर इतनी क्वांटिटी में क्या है, वो जो लार्वा है वो उनको NPV वायरस से ग्रसित जो लार्वा है उनको क्रश किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या है, इसके अंदर डाल देते हैं, स्प्रे करते हैं, इससे काफ़ी हद तक क्या है इसका कंट्रोल हो जाता है। इसको बोलते हैं HANPV, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, HANPV, हेलिकोवर्पारमिजेरा NPV। फिर इसके लिए कुछ यूज़ किए जाते हैं नेचुरल, जो क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल एनिमी जो होते हैं, या फिर बात करें जो प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है ट्राइगोग्रामा माइनोटम, इसको ये क्या है, एक एग पेरास्टोइड है, एग पेरास्टोइड है, ये क्या करता है, इसके एग्स जो होते हैं उनको पेरास्टाइज करता है, ठीक है। फिर है ब्रैकोन स्पीसीज, ये क्या है, इसका जो लार्वा जो होता है लार्वल स्टेज उसके ऊपर ये क्या है, पेरासाइट या प्रीडेटर के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये हो गया आपका ग्राम कैटरपिलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्राम कटवर्म, दो ही पेस्ट है, ये दूसरा पेस्ट है, इसमें और उसमें लगभग क्या है, समानता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी मोस्ट नेचर ऑफ डैमेज भी वही है सब कुछ। चलिए बात कर लेते हैं ग्राम कटवर्म, इसका सबसे पहले तो जो साइंटिफिक नेम क्या है, एग्रोटिस इप्सिलोन, फैमिली वही है नोक्टुइडी, ऑर्डर लेप्टोप्टेरा। अब नोक्टुइडी फैमिली है तो इसका मतलब क्या है, रात्रिचर है, रात के समय डैमेज करता है। फिर होस्ट प्लांट की बात करें तो इसमें भी क्या है, अलग अलग, जैसे ग्राम तो हो ही गया, ग्राम के साथ साथ क्या है, जो पोटैटो क्रॉप होती है उसके अंदर भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की, तो लगभग सेम है नेचर ऑफ डैमेज, चेंज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एग जो होते हैं इसके एग्स भी क्या है,
सिंगली एक एक करके दिए जाते हैं, लेकिन इसके एग्स क्या है, प्लांट की ज़रूरी नहीं है, प्लांट के अलावा भी क्या है, नीचे जो सोइल होती है आसपास में, मिट्टी के ढेले जो बने हुए रहते हैं प्लांट के आसपास में, वहाँ भी क्या है इसकी एग लेइंग होती है। ठीक है, एग लेइंग होने के बाद क्या है, वहाँ से जो कटवर्म जो निकलता है, यानी कि जो लार्वा जो निकलता है, कैटरपिलर जो निकलता है, वो निकलने के बाद क्या है, इसी की तरह क्या है लीफ के ऊपर, ठीक है, लीफ के ऊपर, मान लो ये लीफ है ना चने की, तो इसकी क्या है लीफ को खाना स्टार्ट करेगा सबसे पहले। और इसकी खास बात क्या होती है, इसको कटवर्म इसीलिए बोलते हैं, ये क्या करता है लीफ वगैरह को कट कर देता है, ये क्या टूट के मुरझा जाती है या फिर प्लांट से अलग हो जाती है, इसी वजह से इसको क्या है कटवर्म बोला जाता है। लीफ पे करेगा, फिर स्टेम पे डैमेज करता है, धीरे धीरे क्या है पूरे प्लांट को डैमेज करता रहता है। और इसके साथ साथ इसको क्या है सरफेस फीडर भी बोला जाता है, सरफेस फीडर भी इसको बोलते हैं। अब सरफेस फीडर का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं रह पाता सोइल में, कुछ फिक्स जो है, एक फिक्स लिमिट जो होती है, बस उतनी गहराई तक ये जा पाता है, उसके बाद अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सरफेस फीडर। डैमेज इसका सेम है उसी तरीके से, क्या है पहले ये लीव्स को डैमेज करता है, फिर जब फ्रूट बनेंगे तो फ्रूट्स को भी खाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये खाने को तो कम खाता है, ठीक है, वैसे इसका नुकसान नहीं है, लेकिन ये क्या है काट देता है, जो भी प्लांट जो पार्ट्स होते हैं उनको काट काट कर ख़राब कर देता है, इसलिए इस प्रकार से इसका डैमेज जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है प्यूपल जो स्टेज होती है, इसकी भी सोइल के अंदर ही बनेगी, सोइल या फिर प्लांट डेब्रीज या फिर जो मिट्टी के ढेले बने रहते हैं आसपास में, वहाँ पर इसकी क्या होती है जो है प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर एडल्ट निकलता है, एडल्ट नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसका काम क्या रहता है एग लेइंग का। चलिए फिर लाइफ साइकिल की कंप्लीट, लेप्टोप्टेरा है तो क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, वही चार स्टेज होती है, एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। तो एग्स की बात करेंगे, सेम राउंड शेप के एग होते हैं, कलर क्या होता है इनका, लाइट येलो कलर होता है। और मैंने आपको बता ही दिया एग लेइंग कहाँ होती है, प्लांट के किसी भी पार्ट पे या फिर क्या है प्लांट की जड़ों के आसपास जो मिट्टी के ढेले रहते हैं वहाँ पे, और 300 से लगभग 550 तक क्या है एग्स दिए जाते हैं। फिर बात है कैटरपिलर की, तो इसका कैटरपिलर जो है वो उससे थोड़ा छोटा होता है स्टार्टिंग स्टेज में, जो हेलिकोवर्पा है लगभग सेम या थोड़ा सा छोटा, और इसके बाद जब फुली ग्रोन होता है तो ये उससे साइज इसका बड़ा हो जाता है। फिर है 2 mm साइज होता है लगभग इसका, इसके अंदर भी 4 मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग होने के बाद ये क्या है जब पूरी मोल्टिंग हो जाती है तो ये 40-43 mm तक इसका साइज हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका कलर क्या हो जाता है लाइट ग्रे, उसमें क्या होता है ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर क्या है इसका कलर लाइट ग्रे रहता है, ठीक है। फिर है प्यूपा, सोइल के अंदर ही बनता है, ठीक है, वही रेड ब्राउन कलर होता है इसका भी, और साइज़ क्या है 20-25 mm, सोइल के अंदर थोड़ी सी गहराई पर, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता, इसीलिए इसको क्या है सरफेस फीडर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा ये प्यूपा के अंदर बन रहेगा, और प्यूपा के बाद क्या है वहाँ से एडल्ट निकल के बाहर आता है, एडल्ट जो रहता है वो क्या है ब्राउन कलर का रहता है, जैसा कि उसमें क्या है ग्रीनिश कलर का रहता है या लाइट ब्राउन होता है, इसके अंदर क्या है उसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, ब्राउन कलर का रहता है, साइज 20-25 mm होता है। इसके अंदर भी क्या है सेम चीज़ है, मेल के अंदर क्या है कौन सी एंटीना होती है बाईपेक्टिनेट, फीमेल के अंदर फिलिफॉर्म एंटीना होती है, और माउथ पार्ट क्या है साइफनिंग टाइप की, दोनों में क्या है सेम चीज़ें हैं ये, तो लगभग थोड़ा सा इनके करेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क है, इनका जो आइडेंटिफिकेशन है प्लस क्या है नेचर ऑफ डैमेज है उसमें डिफरेंस है। नेचर ऑफ डैमेज में कैसे डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है प्लांट पार्ट्स को काट देता है खा के, तो उससे क्या है वो अलग हो जाते हैं प्लांट से या फिर टूट के मुरझा जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, वो जितना खाते हैं उसके बाद क्या है जो फ्रूट जो होता है उसके अंदर क्या है एक होल बनाएंगे, होल बनाने के बाद उसके अंदर इंटर होंगे और अंदर से अंदर ही सीड को खाते रहते हैं, और बाद में और देखने पे क्या लगता है कि इसकी हाफ़ जो पोर्शन है वो सीड के अंदर रहता है और हाफ जो रहता है वो बाहर रहता है, इसका बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है इसका कैटरपिलर, ठीक है, ब्राउनिश कलर का है इसका कैटरपिलर, उसका तक क्या था ग्रीन कलर का, और ये क्या है इसका एडल्ट है। दोनों के अंदर माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, यानी कि काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स को काट काट कर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की,
तो इसमें भी क्या है, लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया क्या है, चार स्टेज होती है सेम। एग जो है 2 से 6 दिन बाद उससे लार्वा बनता है, और लार्वा के 21 से 36 दिन बाद उससे प्यूपा बनेगा, प्यूपा सोइल के अंदर बनता है और यहाँ से एडल्ट बाहर निकल के आता है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद 2 से 3 दिन बाद वापस से वो एग लेइंग स्टार्ट कर देता है। अब इसकी भी क्या है, जो लार्वल स्टेज जो होती है वो किस में रहती है, डाइपोज के अंदर, या फिर बात करें जो क्या बोलते हैं इसको, डोरमेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डोरमेंसी के अंदर या डाइपोज के अंदर सुषुप्ता अवस्था में रहता है, जो विंटर सीजन होता है उसके अंदर। टोटल लाइफ साइकिल इसका भी 35 से क्या है लगभग 80, उसका 70 दिन के आसपास था, इसका 84 डेज के आसपास। लेकिन इसकी क्या है, एक साल में सिर्फ 2 ही जनरेशन पाई जाती है, जबकि हेलिकोवर्पा की 1 साल में 8 जनरेशन पाई जाती है, ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो डीप्लोइंग क्यों, क्योंकि इसका भी प्यूपा सोइल के अंदर बनता है, लार्वल जो स्टेज रहती है वो सोइल के अंदर रहती है, जब तक जो हमारी क्रॉप रहती है, ठीक है, ग्राम की आपकी जो क्रॉप रहेगी तब तक तो उसके अंदर डैमेज करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, दोनों का बता देता हूँ। हेलिकोवर्पा जो है वो क्या करता है, टोमेटो जो क्रॉप होती है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि हमने जो ग्राम की क्रॉप को अगर हार्वेस्ट कर लिया तो उस कंडीशन में उस टाइम क्या होती है कि जो जायद की फसलें होती है उसमें क्या है, टोमेटो हो रहा होता है फील्ड के अंदर, तो टोमेटो में ये मैंने अभी आपको बताया क्या है, क्या किस नाम से जानते हैं इसको, फ्रूट बोरर के नाम से, तो उसमें डैमेज करती है। उसके बाद क्या है, ये जब कॉटन का सीजन आता है तो कॉटन के अंदर डैमेज स्टार्ट कर देती है, और वहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है, अमेरिकन बॉलवर्म के नाम से। ऐसे ही इसका है कटवर्म का, ये पहले तो इसके अंदर नुकसान करता है, फिर जैसे ही हम ग्राम की क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद ये क्या है, जो पोटैटो क्रॉप जो होती है ना, पोटैटो क्रॉप जो होती है उसके ऊपर नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए डिप्लॉइंग होगी, फिर लाइट ट्रैप, सेम फैमिली है, सेम ऑर्डर है, तो लाइट ट्रैप यूज करते हैं। फिर डस्ट, सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, 10 से 15 दिन पहले मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से क्या है, इनमें से किसी भी एक जो ग्रेनुल्स है या डस्ट है उसको क्या है मिक्स कर देते हैं, गामा BHC 2% ग्रेनुल्स और फेनवेलेरेट 0.04% क्या है, 30 किलोग्राम और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर है स्प्रे की, अगर फील्ड के अंदर खड़ी फसल के अंदर आपका इसको बहुत ज़्यादा आपको डैमेज दिखे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, 1000 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं और उसके अंदर इनमें से किसी एक जो है केमिकल उसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद छिड़काव करते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि सर आपने यहाँ तो 1000 लीटर वाटर ले रहे हो आप, ठीक है, और हेलिकोवर पर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने कितना बताया था, 250 लीटर वाटर बताया था, इसका रीज़न क्या है, क्रॉप तो सेम है, ग्राम ये है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो हेलिकोवर्पा का डैमेज होता है वो कहाँ होगा, फ्रूटिंग पोर्शन पे, है ना, तो हमें क्या है इसके लिए कम क्वांटिटी चाहिए प्लांट को, आप क्या है क्रॉप को ऊपर से स्प्रे कर सकते हो, बहुत छोटी क्रॉप होती है इसकी चने की। लेकिन इसकी बात करें जो कटवर्म जो होता है इसके क्या है, जो भी कैटरपिलर वगैरह होते हैं, लार्वा जो होते हैं, ये क्या करते हैं प्लांट को ऊपर से लेके नीचे तक जो जड़ वाला क्षेत्र होता है वहाँ तक क्या है इनका डैमेज होता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। और इसके स्प्रे करते समय ये ध्यान भी रखा जाता है कि एक एक चीज़ इवन जो सोइल है, ठीक है, प्लांट्स के बीच की जो मृदा है वहाँ पर भी क्या है अच्छी तरह से छिड़काव हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, गामा BSC 20 EC या फिर क्लोरपाइरीफॉस की 20 EC मात्रा जो है वो इसकी 3.75 लीटर या फिर 3 लीटर जो मात्रा है इनको प्रति 1000 लीटर जो मैंने बताया आपको वाटर उसके अंदर मिक्स करके स्प्रे किया जाता है फील्ड के अंदर। फिर इसमें भी क्या है, कुछ स्पीसीज़ है, एक तो ब्रेकॉन स्पीसीज़ है, इसके साथ क्या है एपेंटलस स्पीसीज़ है जिनको एज ए नेचुरल एनिमीज क्या है इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक शत्रु ये क्या करते हैं इसकी लार्वल जो स्टेज होती है उसको पेरास्टाइज करते हैं, जिससे क्या है ये उसको पेरास्टाइज करेंगे तो क्या है लार्वा जो है वो आगे प्यूपा में नहीं बदल पाते और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी कॉटन की, सॉरी इसकी ग्राम की क्रॉप के दोनों पेस्ट हो गए, दो ही पेस्ट थे और दोनों इंपॉर्टेंट है। और ग्राम कैटरपिलर का तो मैं आपको बता दूँ ये फिक्स है, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है कि 15 नंबर में भी आ जाए आपका बड़ा क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि
ये ग्राम का भी मेजर पेस्ट है, ये टोमेटो का भी मेजर पेस्ट है, और प्लस ये क्या है कॉटन का भी मेजर पेस्ट है। तीनों क्रॉप का क्या है मेजर पेस्ट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉप के साथ। ओके, धन्यवाद।